सो हेलो ट्यूटर्स, वेलकम टू ट्वीट ट्यूशन। मेरा नाम अमन है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवतार मूवी के बारे में, कुछ ऐसी डिटेल्स जो हमने मिस कर दी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवतार मूवी को देख के ऐसा लगता है कि ये जैसे हिंदू मैथोलॉजी से कनेक्टेड है। जिस तरह हिंदू मैथोलॉजी में भगवान विष्णु का कलर ब्लू था, उसी तरह नावियों का कलर ब्लू था। अवतार का मतलब होता है रीइंकार्नेशन। उसी तरह भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये सब भी इंकार्नेशन ही थे, जिन्हें हम अवतार कहते हैं। अवतार दुनिया की नंबर वन मूवी थी, जिसने $2 बिलियन की कमाई की थी और अपने टाइम से अच्छे और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का यूज किया था। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक प्लेनेट है पेंडोरा और उस पे बहुत ही बेसकीमती मेटल पाए जाते हैं जिनको कोर कहते हैं, जो स्पेस ट्रेवल को काफी किफायती और बहुत तेज बना देते हैं। और अर्थ पे रहने वाले कुछ लोग उस प्लेनेट पे गए हुए हैं और उन्हीं में से एक होता है जैक, जो कि एक पैरालाइज सोल्जर होता है और वो पैसे कमाने के लिए वहां गया है। और वो वहां जाके एक निवासी से मिलता है जिसका नाम नटीरी है और उसको नटीरी से प्यार हो जाता है। और बाकी की कहानी आप थिएटर में जाके देख सकते हैं। पॉइंट नंबर वन है, मूवी के मेन कास्ट ने कहा है कि उनको नावी लैंग्वेज को सीखना काफी आसान लगा इन कंपैरिजन टू लर्निंग अमेरिकन एसेंट। इस लैंग्वेज की सबसे बड़ी बात यह है कि इट वॉज क्रिएटेड इन 2005 आफ्टर द वर्ल्ड बिल्डिंग अप स्टोरी। इस मूवी की टेक्नोलॉजी और नेचर कनेक्शन के साथ इस मूवी की स्टोरी राइटिंग इस मूवी को हिट बनाती है पूरी दुनिया में। नंबर टू पे है कि जेम्स कैमरॉन ने बहुत सारी मूवीज, बुक और आइडियाज से इंस्पिरेशन ली है इस मूवी को बनाने में, जैसे जॉन कार्टर सीरीज और डांस विद फ्लो और टार्जन। जैक और नटीरी की स्टोरी शेक्सपियर की रोमियो और जूलियट स्टोरी से भी इंस्पायर्ड है। नावी और पेंडोरा की जो कहानी है वो जेम्स कैमरॉन की मम्मी की ड्रीम से इंस्पायर्ड है। उनकी मम्मी एक टाल और ब्लू वुमेन को देखती है अपने सपने में। जेम्स कैमरॉन की मम्मी तो गजब भिड़ा रही है, उनको सपने दिखा के अमीर बना रही है, और एक हमारी मम्मी है जो सपने में हमको लड़कियों का पति बना रही है। खैर छोड़ो, पॉइंट नंबर थ्री ये है कि इस क्लिप में हमको अमेरिका का एक फ्लैग देखने को मिलता है। कर्नल के पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको 13 स्ट्रिप्स दिखेंगी, और ऊपर के साइड देखेंगे कॉर्नर में तो आपको एक बड़ा ब्लैक कलर का एक कुछ पोर्शन टाइप का दिखेगा जो कि एकदम अमेरिका के फ्लैग के जैसा दिखता है। पॉइंट नंबर फोर, आई बॉल। आपने मूवी में देखा होगा कि जब मूवी स्टार्ट होती है तब वो जैक की आंखों से स्टार्ट होती है, और जब मूवी एंड होती है तब भी वो जैक की आंखों से एंड होती है। मुझे इसका कुछ खासा पता नहीं है कि ये इंटेंशनली था या बस हो गया, लेकिन ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिनमें आंखों को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, और उसी तरह ह्यूमन एनाटॉमी में जो आंखें होती है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। तो जितनी भी मूवीज बनी है आंखों को लेके, वो बेसिकली आंखों से हमको बताता है कि उनकी इनर ग्रोथ हो रही है और उनके अंदर का एनलाइटमेंट हमको दिखाया जाता है आंखों के थ्रू। और बहुत सारे लोग जो है वो आंखों से भविष्य को देख सकते हैं। देखो मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि हाँ देख ही पाते हैं, लेकिन मैंने भी सुना है कि हाँ आंखों से भविष्य को देख सकते हैं। एक फ्रेज है ICU, ये फ्रेज जो है वो जैक के द्वारा बहुत ही ज्यादा बार बोला गया है इस मूवी में, और इस मूवी का जो थीम सॉन्ग है वो भी ICU के नाम से है। तो ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है कि मूवी जो है वो आंखों से स्टार्ट होती है और आंखों पे एंड होती है, दैट वाज टोटली क्रिएटेड। नंबर पांच पे है द फ्लोटिंग सीट्स। जब हेलीकॉप्टर से जैक को रिसर्च करने के लिए जंगलों में जाता है तब वो वहां पे गुम हो जाता है, तब मिडनाइट में उसको नटीरी देखती है और उसको लगता है कि ये होगा कोई स्काई पर्सन। लेकिन जब जैक इतनी क्यूरियोसिटी से उन पौधों को देखता है, उन ल्यूमिनस प्लांट्स को टच करता है, तब उसको लगता है कि he may not be who she thought। और यही पे एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट होता है जब वो सारे सीट्स जो है वो जैक के ऊपर बैठने लगते हैं, और ये दिखाता है कि ये मूवी जो है वो और भी खूबसूरत होने वाली है। और एक जैक जो है वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा प्रोटैगनिस्ट है नावियों के फेथ के लिए। नंबर सिक्स पे है द लोकेशंस। एक आर्टिस्ट है रॉबर्ट डीन, जिनकी बनाई हुई पेंटिंग एकदम सिमिलर है अवतार मूवीज के लोकेशन पे, लेकिन इनका नाम क्रेडिट नहीं हुआ है। इस पे जेम्स कैमरॉन का कहना है कि इनकी इंस्पिरेशन जो है वो साउदर्न रीजन ऑफ चाइनीज माउंटेन से ली गई है, और उन्हीं माउंटेन्स में से एक माउंटेन का नाम रखा गया है अवतार हलुइया माउंटेन, जो कि टोटली इंस्पायर्ड है अवतार मूवी से। नंबर सेवन है आईब्रोज। एक क्लिप है जहाँ पे जैक और नटीरी आर डूइंग समथिंग, यू नो व्हाट आई मीन, उसके बाद ही वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाता है, और उसी फाइट में हमको नटीरी की चेस्ट पे एक 5 फिंगर्स के निशान दिखते हैं जो कि ऑब्वियसली जैक के ही होंगे। आई नो ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन हम जानते हैं कि अवतार जो है वो बेसिकली ह्यूमन और नावी के DNA को मिला के बनाया गया है, जिसकी वजह से अवतार के जो है वो 5 फिंगर्स हैं और नावियों के 4 फिंगर्स हैं, और ह्यूमंस के हैं मतलब अवतार के जो है वो आईब्रोज होंगे लेकिन नावियों के आईब्रोज नहीं होंगे। नंबर 8 है द कॉन्फ्लिक्ट।
2009 के अवतार के आने के बाद बहुत से फैन और क्रिटिक्स का कहना है कि ये मूवी जो है वो फॉरेन और डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दे रही है, लेकिन जेम्स कैमरॉन का कहना है कि ये मूवी किसी भी तरह से डोमेस्टिक और फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट को नहीं बढ़ा रही है, ये मूवी टोटली नेचर के प्रति प्रेम को जगा रही है। मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि ये मूवी डोमेस्टिक और फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देगी। खैर, नंबर 9 पे है द टाइटैनिक। जेम्स कैमरॉन का कहना है कि टाइटैनिक मूवी के आधे बनते समय ही इनकी 80 पेज की अवतार की कहानी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन उस समय इतना अच्छा वीएफएक्स और टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से ये मूवी नहीं बनी, लेकिन जेम्स चाहते थे कि ये मूवी 1995 में ही रिलीज हो, जिसके लिए वो बहुत सारे प्रोड्यूसर से भी मिले और इस मूवी की टोटल लागत जो होती है अगर उस समय ये मूवी बनती तो वो करीब होता $4,000 मिलियन, और इसका बजट देख के बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने मना कर दिया इस मूवी को बनाने के लिए। बट 2002 की लॉर्ड ऑफ रिंग के डॉलम को देखने के बाद उनको लगा कि ये मूवी अब बन सकती है। नंबर 10 पे है स्पिरिचुअलिटी और एनवायरमेंटल। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जेम्स कैमरॉन जब इन दोनों को डेवलप कर रहे थे तब वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे एक एनीम मूवी से जिसमें सब कुछ इंटरकनेक्टेड था। पेंडोरा पे नावी एक ऐसी प्रजाति है जो कि माँ एवा से मेंटली और फिजिकली कनेक्ट हो सकती है, और यही चीज इंसानों और नावी को अलग रखती है, जहाँ पे नावी जो है वो नेचर की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है लेकिन ह्यूमंस जो हैं वो अवतार जो हैं वो ज्यादातर ट्रेजर्स के चक्कर में हैं। एंड दैट्स द रैप ऑन द वीडियो। इफ एंजॉय माय वीडियो डू सब्सक्राइब, प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और कमेंट में हमको बताते जाएं कि अवतार 2 जो है वो अवतार से अच्छी होगी या नहीं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज आई विल बी अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम @ @TweetTuition। थैंक यू।